आगे निकल जाएगा और पीछे राम ढोल का जुलूस है जो कि दशहरा है तो उस सिलसिले से जुलूस है, उस वजह से ये आज का जुलूस इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, बहुत पुरसकून होना चाहिए। और हमारी भी सभी जवानों से गुजारिश है कि जुलूस में शांति से चलें और माहौल को बना कर रखें। इंशाअल्लाह जब भी आपकी ये पहचान होगी कि आप अली वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन का यही मकसद था करबला में, इंसानियत को बचाना। तो अगर आदमी इंसान है तो सब कुछ है, इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस जुलूस में बहुत भीड़ रहती है, जुलूस है तो इंशाअल्लाह आगे चल के पूरी तरह सुकून से ही जाएगा। और ये ताजिया जामा मस्जिद के अंदर से, जीवा घर के अंदर से, इमाम बारगाह मोहब्बत अली साहब के वहाँ से निकलता है। ये बड़ी मुसाफत तय करता हुआ पार्लियामेंट वगैरह से होता हुआ जाता है वक्त एक जुलूस है जो पार्लियामेंट के अंदर से जाता है। तो इस जुलूस के बारे में चलिए पूछते हैं लोगों से क्या है। आप तो ये बताइए हमें कि ये जुलूस आप लेकर जा रहे हैं, तो बच्चे भी आपका साथ आपको रास्ते में परेशानी। चलो उसमें ये 22 किलोमीटर का रूट होता है, इसमें बच्चे छोटे बड़े और के सभी लोग होते हैं और हर तबके के लोग होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सुन्नी शिया सभी लोग इसमें मिलजुल के ये प्रोग्राम होता है और रास्ते भर में प्रसाद के तौर पर तबरुक बांटा जाता है। और ये प्रोग्राम मोहम्मद अली साहब चित्री कब्र से शुरू होकर दरगाह शाह मद्दा जोरबाग जाके समाप्त होता है। रास्ता इसका पार्लियामेंट होता हुआ है। ऐसा एक बात बताइए, जैसे कि अब ये दशहरा है और कुछ जुलूस वगैरह दूसरी कम्युनिटी के भी चल रहे हैं, हमारे हिंदू भाई लोगों के चल रहे हैं, तो उसमें और आपके आज के जुलूस में हमारे तो आपको कोई परेशानी तो महसूस नहीं हो रही? सभी तारिया वहाँ से निकल के आ रहा था, रास्ते में दशहरे का प्रोग्राम था, दशहरे के लोग जो प्रोग्राम वो लोग कर रहे थे उन्होंने इस्तेमाल करा। आज पूरी सब्जी जगह जगह बाकी वो लोगों ने उसको पूछा कि आप ये भी लोग अब ये ताजी का जुलूस आगे निकल गया है, उसके पीछे राम ढोल का जुलूस है, वो अपने रास्ते आगे जाके चेंज हो जाएगा और ये रास्ता अलग है।